रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जब टाइम जीरो था तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन मानी ए नॉट। कुछ समय के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो इसकी कंसेंट्रेशन मांगी मैंने ए। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालनी है जीरो ऑर्डर के लिए। देखिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसेंट्रेशन की पावर। क्योंकि यहां कंसेंट्रेशन की पावर जीरो है तो समथिंग की पावर जीरो बराबर वन, तो इसके इससे क्या होगा रेट बराबर इंटीग्रेशन, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हम कहेंगे के, समथिंग की पावर जीरो बराबर वन तो रेट बराबर के। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हम रेट वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं, रेट बराबर चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है इसलिए यहां कौन सा निशान आएगा, माइनस। ये दोनों रेट है, ये भी रेट है और ये भी रेट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस डी ए ओवर डी टी। इसको अगर सॉल्व कर दूं तो के डॉट डी टी माइनस को साइन, माइनस का साइन इधर ले लिया, डी ए। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस माइनस को बाहर लिया, के डॉट डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, के डी प्लस आई, आई क्या है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और डी ए का इंटीग्रेशन ए। ठीक है, एट टाइम टी बराबर जीरो, मतलब जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टी बराबर जीरो पुट करेंगे तो माइनस के इंटू जीरो प्लस आई बराबर, जब रिएक्शन में शुरुआती रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, टाइम जीरो था, तो ए किसके बराबर होगा, ए नॉट के। तो मैं ए की जगह ए नॉट पुट कर देती हूँ वैल्यू, तो आपके पास क्या आया, आई बराबर ए नॉट। ठीक है, आई बराबर ए नॉट पुट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस इक्वेशन, तो क्या आया के इंटू के टी प्लस आई की वैल्यू क्या है, ए नॉट बराबर ए माइनस के टी, के टी उधर चला जाएगा तो ये सॉल्व करके आएगा ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, तो के बराबर क्या हो गया वन ओवर टी ए नॉट माइनस ए। दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर द के, वन ओवर टी ए नॉट माइनस ए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम यहां बात करते हैं ग्राफ की, मान के चलिए ये रेट है और ये कंसेंट्रेशन है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, रेट बराबर के ए की पावर जीरो, समथिंग की पावर जीरो बराबर वन, रेट बराबर क्या था के, कहने का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर के लिए कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है, तो कंसेंट्रेशन को कितना भी बढ़ाते हुए चले जाओ रेट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। हाफ का मतलब हाफ, लाइफ का मतलब लाइफ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, जब किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाए, कितने समय में, जितने समय में जब किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घट के आधी हो जाए तो उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो आपके पास इंटीग्रेशन रेट कॉन्स्टेंट में आपने देखा के टी
a a नॉट माइनस a, हाफ लाइफ टाइम पीरियड लिख रहे हैं, तो हाफ लाइफ के लिए हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे, t हाफ बराबर 1 ओवर k। अभी क्या बताया था, हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए, मतलब a a नॉट के आधे के बराबर हो जाए। उठकर देखिए ये वैल्यू a नॉट माइनस a नॉट ओवर 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 ओवर k। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा, इसे अगर ढंग से लिखा जाए तो t हाफ बराबर a नॉट ओवर 2 के। ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी जीरो ऑर्डर के लिए, अब पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसी भी रिएक्शन में माना ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, मैंने माना एट टाइम टी बराबर जीरो, मतलब जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ए। जब कुछ समय बाद इसकी रिएक्शन जब शुरू हो चुकी थी तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन मिली वो मुझे एक्स मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए माइनस एक्स। ए इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो ए का मतलब क्या है, ए नॉट। कुछ समय के बाद कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स मिल रही है, इसका मतलब ए क्या है, ए माइनस एक्स। इसी को सॉल्व करते हैं वेट लॉ के अकॉर्डिंग। वेट क्या होता है, वेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स। वैसे वेट क्या होता है, वेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या वैल्यू आई, इसे सॉल्व करोगे तो के इंटू डी टी बराबर डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे at, जैसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, kt प्लस i बराबर, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस ln a माइनस x एट टाइम t बराबर जीरो। जीरो का मतलब क्या है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, क्यों नहीं रही, क्योंकि मुझे i की वैल्यू फाइंड आउट करने की, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो k p की वैल्यू जीरो प्लस i बराबर माइनस ln। जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, a, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगी, ln k, तो i की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ln k। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन kt i बराबर क्या है, माइनस ln a बराबर माइनस ln a माइनस x। अगर इसे सॉल्व करोगे kt बराबर ये इधर चला जाएगा ln a माइनस x, इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी ln a ओवर a माइनस x। ln को खो दीजिए 2.303 log a ओवर a माइनस एक्स, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k बराबर 2.303 ओवर t log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। अगर मैं यहां दूसरे तरीके से लिखूं 2.303 ओवर t log
ए की वैल्यू क्या है ए नॉट और ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है ए. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. के बराबर 2.303 अपॉन पी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए. दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर आप हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप जानते हो के की वैल्यू क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स, या फिर के बराबर 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ ए नॉट. ए का मतलब क्या है ए नॉट और ए माइनस एक्स का मतलब क्या है ए. हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, वह समय जब किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाए. तो मैं अगर इसे यहां के लिख दू, यहां टी लिख दू, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे तो टी हाफ बराबर 2.303 ओवर के लॉग. क्या था हाफ लाइफ टाइम पीरियड, जब किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाए. तो ए नॉट ओवर ए की वैल्यू क्या है ए नॉट बाई टू. जब आप इसे सॉल्व करोगे 2.303 ओवर के लॉग ए नॉट टू ओवर ए नॉट, ये कैंसिल होगा 2.303 ओवर के लॉग ऑफ टू. लॉग टू की वैल्यू 0.3010, तो इसे यहां लेके आए टी हाफ बराबर 2.303 ओवर के लॉग टू की वैल्यू 0.3010. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.693 ओवर के. दिस इज द टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.